पहले वाले ई लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मीडियन अपने कैसे ज्ञात करते हैं, और उसमें इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन ज्ञात करना आपको बताया था। फॉर्मूले मैंने आपको तीनों सीरीज़ के नोट करवा दिए थे। तो एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे सीरीज़ इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस, जब आप मीडियन ज्ञात करते हो तो एक्स की वैल्यूज है वो एक ऑर्डर में या क्रम में होनी चाहिए। और आप ट्राई ये करो कि एक्स की वैल्यूज़ असेंडिंग या बढ़ते क्रम में हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस में यही तरीका होता है बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में करने का। बाय द वे आप डिसेंडिंग में करते हो, घटते क्रम में करते हो, तो आपको खुद अजीब लगेगा और गलती होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए आप ट्राई ये करो असेंडिंग या बढ़ते क्रम में एक्स की वैल्यूज़ लिखने की। अब आप देखिए, यदि डिस्क्रीट सीरीज से आपको मीडियन या एम ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? एग्जांपल आपको दे रखा है, एक्स की वैल्यू 60, 61, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक्स की वैल्यू सबसे पहले चेक कर लीजिए, ये बढ़ते क्रम में आपको दे रखी है। आगे आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मीडियन ज्ञात करते हो डिस्क्रीट या कंटिन्यू सीरीज में, तो आपको एफ का कॉलम दिया होगा और एफ का कॉलम आपको दे रखा है, तो आपको सी एफ ज्ञात करनी पड़ेगी। सी एफ कैसे ज्ञात करते हो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जब भी मीडियन ज्ञात करना हो, सीरीज डिस्क्रीट या कंटिन्यूस हो, तो एफ का कॉलम दिया होगा आपको और सी एफ का कॉलम सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। तो एफ क्या है, देखो सी एफ का कॉलम वही सबसे पहले 27, फिर 146 जोड़ दोगे 173, फिर 435 जोड़ दोगे 608। इस प्रकार से आप सी एफ का कॉलम तैयार कर लोगे। फ्रिक्वेंसी का टोटल है 1442 और ये जो लास्ट सी एफ है ये भी सेम ही आएगी, 1442 आएगी। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है मीडियन का, साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम। तो एन इसमें आपको दे रखा है 1442, तो 1442 प्लस 1/2, तो इसको आप सोल्व कर लोगे तो वैल्यूज़ की जो इसकी आ जाएगी वो आएगी 721.5। 1442 प्लस एक करना है, इसमें 1442 लिखा है प्लस वन रह गया, तो 1442 प्लस वन करना है, आप करेक्ट कर लीजिए, 1442 प्लस वन अपॉन टू। तो सोल्व करोगे तो वैल्यू जो इसकी आएगी वो आएगी 721.5। अब 721.5 ये आपका आइटम नंबर या मीडियन का नंबर है, इसको चेक कीजिए आप सी एफ में, कौन से सी एफ में ये आएगा, यह आएगा 1006 में, क्योंकि जो पहले वाली जो सी एफ है वो 608 इससे 721.5 से कम होनी चाहिए। या आप ये कह दो कि 721.5 है वो 608 और 1006 के बीच में आएगा, तो 1006 को मान लोगे। कल को 200 होता तो 200 आता 608 में, कल को 800 होता तो 801.6 में आएगा, कल को 1100 तो 1100 किस में आएगा, 1216 में, 1300 तो 1300 किस में आएगा, 1344 में। तो अपनी वैल्यू 721.5 ये आएगा 1006 में। इसके आगे आप देख लो एक्स कितना है, 63, तो इट मीन्स मीडियन विल बी 63, यानी मीडियन नंबर जिस सी एफ में आएगा उसके आगे जो एक्स लिखा होगा वही अपनी मीडियन की वैल्यू होगी। और एक बात आप ध्यान में और रखो कि चाहे मीन निकालो, मोड निकालो या मीडियन निकालो, हमेशा मीन मोड मीडियन की जो वैल्यू है वो एक्स में से कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल एक और देखिए, सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है नंबर ऑफ पर्संस और वेजेस का, नंबर ऑफ पर्सन 10, 13, 15, आगे इनकी वेजेस आपको दे रखी है। तो एक तो बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको एक रूल लिखा आगे, सामान्यतः मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, सामान्यतः नंबर ऑफ पर्सन तथा नंबर ऑफ आइटम्स एफ का कॉलम होता है। स्टेट में ध्यान रखना, जनरली नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ आइटम्स है वो एफ का इन फ्रिक्वेंसी कॉलम होता है, दूसरा जो कॉलम बचता है वो होता है एक्स का। सामान्यतः मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ इसमें अपवाद होते हैं जो मैं आपको आगे फिर बताऊंगा। तो जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन है वो कॉलम कौन सा होता है, एफ का, दूसरा कॉलम कौन सा होता है, एक्स का। तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन पहले दे रखे हैं तो ये तो कॉलम एफ का होगा और दूसरा कॉलम होगा एक्स का। अब एक्स को चेक कीजिए, ये ऑर्डर में नहीं है, 5, 26 के बाद 10 आ गया, फिर 24, फिर 12, ऑर्डर में नहीं है। तो पहले एक्स को पहले लिखो, एफ को बाद में लिखो, सीरीज को सेट कीजिए। एक्स लिखो बढ़ते क्रम में, 5, 10, 12, 15, 18, 20, 24 और 26,
इसके बाद जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसके आगे आ जाएगी, जैसे 5 की फ्रिक्वेंसी 10 है, 10 की फ्रिक्वेंसी 15 है, 12 की फ्रिक्वेंसी 20 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रिक्वेंसी लिखोगे। फिर एफ का कॉलम बन गया आपका, सी एफ सिंपल तरीके से तैयार कर लोगे, 10 10 और 15 25 25 20 45, इस प्रकार से आप सी एफ तैयार कर लोगे। जो अंतिम सी एफ आपकी है वो है 153 153, एफ़ का टोटल करोगे तो वो भी 153 ही आएगा। अब सेम वही तरीका है मीडियन याद करने का, साइज ऑफ एन प्लस 1/2 आइटम, तो 153 प्लस 1/2 सोल्व करोगे 77, यानी कि 77 77 ये आपका मीडियन नंबर है। ये किस में आएगा, सी एफ में, देखो 77 आएगा 70 और 100 के बीच में, तो इसको माना जाएगा 100 में, 100 के आगे एक्स कितना आपका 18, तो मीडियन जो आपका होगा वो होगा 18, यानी कि मीडियन की वैल्यू 18 आ गई। और आगे आप देख रहे हो रूल मैंने बताई दिया आपको कि जनरली नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ आइटम्स है एफ़ का कॉलम होता है, कोई रूल नहीं है, जनरली होगा, आगे कुछ अपवाद आएंगे तो वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो अपने अपने देखेंगे। उसके बाद थर्ड सीरीज है कंटिन्यू सीरीज से मीडियन ज्ञात करना। कंटिन्यू सीरीज से आप मीडियन कैसे ज्ञात करते हो, तो दो कॉलम इसमें दिए होंगे एक्स और एफ, आप देख रहे हो क्वेश्चन एक्स और एफ, परंतु कंटिन्यू सीरीज में एक्स हमेशा ग्रुप्स में आपको दिए होते हैं, जैसे इसमें देखा 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, आगे एफ दे रखा है। मीडियन निकालना है इसलिए पहले सी एफ का कॉलम बनेगा सेम वैसे ही जैसे पहले आपने बनाया, एफ का कॉलम दे रखा है, सी एफ का कॉलम तैयार कर लोगे। अब इसके अंदर सबसे पहले मीडियन नंबर यानी छोटा एम निकालोगे, साइज ऑफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा एम लिख दो, इट मीन्स यू आर फाइंडिंग आउट मीडियन नंबर, और इसमें फॉर्मूला एन अपॉन टू होता है। पहले वाले दोनों सीरीज में एन प्लस 1/2 लिखा, लेकिन कंटिन्यूस में होता है एन अपॉन टू, ये फॉर्मूला में पहले मैं आपको टेबल में लिखा चुका हूँ। तो एन अपॉन टू 50/2 कितना आएगा 25। अब 25 किस में आएगा, सी एम में चेक करो 27 में, 27 के आगे एक्स कितना है 22 30, सीरीज डिस्क्रीट थी तो एक्स की एक फिक्स वैल्यू है वो आपका आंसर हो गया, लेकिन अब इसमें 27 के आगे एक्स जो है वो 20 से 30 ग्रुप आ रहा है। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 20 और 30 के बीच में मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ग्रुप में मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट में एम माइनस सी, इनका साइंस का मीनिंग देखिए, L1 लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रुप, ग्रुप की लोएस्ट वैल्यू 20 से 30 20 होगी L1, उसके बाद I का मतलब क्लास इंटरवल, इस ग्रुप में अंतर कितने का 20 से 30 यानी कि 10 का अंतर है, तो क्लास इंटरवल I कितने का होगा 10 का, अपॉन F, F यानी कि इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है 12, 12 दे रखी है आपको, तो फ्रिक्वेंसी आ गई 12। फिर स्मॉल m है, m का मतलब मीडियन नंबर, मैं कई बार बता चुका हूँ मीडियन नंबर आपने ऊपर याद किया 25 फॉर्मूले में, देखो माइनस सी, सी का मतलब सी एफ नहीं है प्रोसीडिंग सी एफ, सी का मतलब ध्यान रखना प्रोसीडिंग सी एफ, जो ये ग्रुप था आपके इसकी सी एफ थी 27, इससे पहले वाली सी एफ है 15, तो प्रोसीडिंग सी एफ कितनी होगी 15, सी को मानोगे आप 15। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे 20 प्लस 10 अपॉन 12 ब्रैकेट में 25 माइनस 15, सोल्व करोगे 20 प्लस, आगे सॉल्यूशन कैसे होगा 25 में 15 गए 10, 10 का 10 से गुणा कर दो 100, 100 में 12 का भाग कर दो 8.33, और मीडियन का आंसर आएगा 20 और 8.33 यानी कि 28.33, मीडियन विल बी 28.33। ओके थैंक यू।